असेंबली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के हवाले से साबिक हुकूमत की तरमीम खत्म कर दी गई है। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा कि ईवीएम के नकायज को दूर करेंगे और कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल भी पेश कर दिया गया है। कौमी असेंबली के इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया। मंजूरी से कबल इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा कि टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नकाइस दूर करना जरूरी है। ये एक गैर मुतनाजा कानून है जो आपके सामने रखा गया है। इस पे बहुत डिबेट हुई थी सेनेट के फ्लोर पे भी और उसकी स्पेशल कमेटी में। इलेक्शन कमीशन को मजबूत कीजिए अगर आप आजाद और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो इस इस्तदा के साथ के ये बिल पास किया जाए। कसरत राय से तरमीम का बिल मंजूर हुआ। ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग पर साबिक हुकूमत की तरामीम खत्म कर दी गयी। इट हैज बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द इलेक्शन एक्ट 2017 द इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 एज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असेंबली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन एट वंस। ऑल दोज इन फेवर ऑफ मोशन में से आई, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। आई थिंक द आईज हैव इट एंड कंसीक्वेंटली द मोशन इज अडॉप्टेड। वफाकी वजीर कानून ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल भी पेश कर दिया। तरमीम आई है कि जब तक रिश्वत की, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की शहादत नहीं होगी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी सिंपलिसिटर वुड नॉट बी एन ऑफेंस। और ये अदालत उज़्मा के कई फैसले हैं जो कि इसके ऊपर उन्होंने मुकदमे बरी किए, लेकिन सर उसके लिए आपको 2 साल जेल में रहना पड़ता है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असेंबली के इजलास की सदारत की।